तो गाइस आज हम जा रहे हैं चंबल नदी, चंबल रिवर, जो राजाखेड़ा से 20 किलोमीटर दूर है। और ये सफ़र सारा हम तय कर रहे हैं बाइक पर, जो हमने कल तय किया था बाइक पर, अविनाश, मैं और भूरा के चाचा संतोष जी, ठीक है। तो उसके बाद आपको चंबल रिवर के बारे में बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त कहानी है उसकी भी। चलो तो सर, चंबल आपने जाने के बारे में कब सोचा था, हमें भी बता दो। चंबल से पता नहीं ऐसे अचानक से ही बन गया। अच्छा गधे आ गए हैं हमारे आगे, बहुत सारे हैं भाई। बच्चा चला रहा है, तो ट्रैक्टर बच्चा चला रहा है। मैंने कहा आज सर ने कहा मैं बीच में बैठूंगा, पीछे नहीं बैठूंगा, या कहीं तू मुझे गिराए तो पीछे बता ले, उठाओगे भी नहीं वापस, तो इसलिए आज बीच में बैठा भाई। ना मैंने इसको पैर रखने की जगह दी कल नीचे, नहीं सर दिया था, दिया था अब तो बोलोगे ना भाई। तो चंबल नदी अब पहुंच गए हैं, रास्ता यहाँ से आ जाओ सर, आराम से आना, थोड़ा रास्ता खतरनाक है उतरने का। आ जाओ आ जाओ, आप तो कह रहे मैंने हिमालय पे चढ़ना है, आप तो कह रहे मैंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। आ जाओ, बिगड़ जाएगा ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा सर, बैलेंस बिगड़ जाएगा, आराम से आना सर, आराम से मैं आ जाऊंगा ऊपर, भागते हुए मत आना, बिल्कुल आराम से आना। आओ तो बेयर ग्रिल्स के साथ जाने की बात कर रहे थे आज सुबह, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आप बहाना बता क्या मारोगे, मेरी ना स्लीपर्स फिसलने वाली थी। ये आ गई चंबल नदी। चंबल नदी मशहूर है घड़ियालों के लिए, मगरमच्छों के लिए, और ये साफ़ पानी के लिए। 1024 किलोमीटर लंबी है चंबल नदी, और ये बिल्कुल साफ़ इसलिए है क्योंकि इसके आसपास कोई सिटी नहीं है, गांव वाँव हैं, लोग साफ भी रखते हैं। इसमें आप सिक्का फेंक दोगे नीचे तो सिक्का आपको कॉइन दिखाई दे जाएगा ऊपर से, इतनी साफ़ है नदी। क्यों सर? हाँ सर, बताया तो जा रहा है कि काफ़ी पोल्यूशन फ्री नदी है। पोल्यूशन फ्री नदी है बिल्कुल, और इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ भी होते हैं, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहे इस टाइम पर, अगर दिखते हैं आगे तो आपको दिखाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें नहाएंगे, सामान वामान लेके आए हैं, टावल वावल लेके आए हैं नहाने के लिए, अगर तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और सुबह नहाए नहीं, हमने कहा वहीं जाके नहाएंगे आराम से। तो अगर तो घड़ियाल और मगरमच्छ नहीं हुए तो मैं नहाऊँगा ही नहाऊँगा, और अगर कहीं वो हुए तो फिर अविनाश जी तैयार हैं, वो आपको दिखाएंगे कैसे नहाया जाता है मगरमच्छों के साथ, ठीक है सर। शैम्पू वैम्पू भी लेके आए हैं साथ में। घड़ियाल को भी नहाएंगे, घड़ियाल को भी नहाएंगे। अच्छा जी ठीक है भाई, क्रीम भी लगाओगे उनको? पहले हम तैयार लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। सही बात है, चंबल नदी सुनते ही थोड़ा डाकुओं की भी याद आ जाती है, पहले मूवीज़ में जैसे हमने देखा है और हमने सुना है कि चंबल में पहले डाकू हुआ करते थे। और बिल्कुल सुनसान है यहाँ, कोई आसपास कोई भी बंदा नहीं है, जितनी मर्जी दूर देख लो कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हम तीन जांबाज डाकुओं का सामना करते हुए। अच्छा जी, डाकुओं ने सुन लिया ना सर, शाम को ही दिल्ली भाग जाओ, वैसे ही बता। चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ नहाने की जगह मिलती है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं चंबल के नदी के बिल्कुल पास, तो इनसे पूछते हैं, यहाँ मगरमच्छ आया है कोई, देखा है? कहाँ पर है? बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। नहीं डोले। अच्छा, कितने मगरमच्छ होते हैं ऊपर? ऊपर निभागे, यहाँ तो एक ही है, नीचे तो बैठ गया, चाय लीन जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो धूप वूप सेकने आते होंगे ऊपर? हाँ, जब वो शिकार करने भी आते हैं। शिकार करने किसका?
भैंसों को पकड़ लेते हैं उनको, छोटी ना पकड़, छोटी छोटी को पकड़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, पानी ज्यादा है इसलिए आगे निकल गए होंगे। नदी में तुम पकड़ तो नहीं लेंगे? वो पकड़ तो लेंगे पर ध्यान से ना करो, ध्यान से। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, वापसी में मिलते हैं अगर मगरमच्छ नहीं मिलता तो। ठीक है चलो, थैंक यू। सर सुन लिया आपने, मगरमच्छ है यहाँ पर। ठीक है ना, अविनाश कह रहा है मगरमच्छ मिल जाएगा तो पीछे से पकड़ लूंगा उसको जैसे डिस्कवरी में पकड़ते हैं ना वैसे। देखो सर मैं तो डटा रहूंगा, आप पीछे से भागोगे ये तो पीछे से भाग आप पीछे से पकड़ना और मैं पीछे से ही भाग जाऊंगा। अच्छा इसके पास आ जाएंगे हैं, इसके पास आ जाते हैं, आ जाते हैं बता तो रहे हैं। हाँ कह रहे छोटे छोटे को खींच लेते हैं। ये भाई साहब हैं जो अभी नहा के आ रहे हैं वहाँ से चंबल में से, पर ये यहीं रहते हैं, तो इनसे पूछता हूँ कि ये घड़ियाल या मगरमच्छ नहाते हुए को खींच तो नहीं लेंगे? हाँ खींच लेगा वो तो, खींच लेता है। हाँ खींच लेता है, ऊपर से दिखेगा नहीं नीचे है या नहीं है? नहीं ऊपर से तो नहीं दिखेगा, जब वो छरेगा जब दिखेगा। तो आप नहा के आए हो तो आपको डर नहीं लगा? नहीं मुझे तो नहीं लगा, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ तो मुझे तो पता है। उसको भी पता होगा कि आप यहाँ के वाले नहीं खींचना है, हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। चलो हम कोशिश करते हैं फिर भी थोड़ा नहाने की, अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, नहा लो कोई बात नहीं, थोड़े कम पानी में नहाने की। हाँ थोड़े थोड़े पानी में ही नहाना। ठीक है ठीक है, चलो जी ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी थैंक यू जी। ठीक ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? अतवल। हैं अतवल। और तुम्हारा? सोनू। ठीक है ओके थैंक यू। ठीक है तो नदी के किनारे आ गए हैं, यहाँ पानी थोड़ा कम है साइड में तो थोड़ा दिखाई दे रहा है, बारिश की वजह से पानी ज़्यादा होने के कारण पानी जितना साफ़ होता है उतना नहीं है। और अब नहाते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत नहाने की, गर्मी बहुत है, प्यास भी बहुत लग रही है, पानी हम लेके नहीं आए, आपको पता ही है हम काम ही ऐसे करते हैं। और फिर देखते हैं यहीं नहाते हैं, देखते हैं यही वाला पानी भी पीते हैं फिर। ठीक है तो गाइज ये था हमारा चंबल का सफ़र, मिलेंगे आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।